LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। मैं शानम अख्तर दिल्ली के सेंट फ्रॉबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 7th क्लास स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सभी के सामने बच्चों की सरकार कैसी हो इस विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। हम बच्चों के मन और दिमाग में हमेशा हजारों सवाल चलते रहते हैं, पर जब भी हम अपने विचार और अपनी बातें लोगों के सामने रखते हैं तो बस एक ही जवाब मिलता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी बातों की समझ नहीं है, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, बच्चे पहले बड़े तो हो जाओ फिर बात करना, और वगैरह वगैरह। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हम बच्चे भी किसी से कुछ कम नहीं है। हम 21वीं सदी के बच्चे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से संविधान में मिले अपने अधिकारों का पता है, जिन्हें बाल अधिकार कहते हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन यानी कि CRC में लिखा गया है। 18 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की बच्चा ही है। बचपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर इंसान गुजरता ही है, और इस उम्र में हर बच्चे को अपने अलग अलग अनुभव मिलते हैं। इसलिए सरकार को बच्चों पर और उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं सरकार के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसी सरकार बनाना चाहती हूँ जहाँ उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा, जहाँ उन्हें चाइल्ड एजुकेशन के लिए अवेयर तो किया ही जाएगा, साथ ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबरिंग, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ बिना डरे अपनी आवाज़ उठाने का मौका भी दिया जाएगा। दोषी को संविधान के अकॉर्डिंग सजा मिलने का भरोसा भी हमारी सरकार देगी। बच्चों की सरकार में बच्चों के हौसलों को बढ़ाकर, उनके आने वाले सुनहरे कल को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाकर एक भय मुक्त वातावरण बनाना हमारा मकसद होगा, जहां बच्चे बिना डरे जनता के सामने अपनी बात, अपने विचार और अपनी राय रख सकेंगे, जहां लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम अभी बच्चे हो, बल्कि कहेंगे कि तुम ही तो इस देश का भविष्य हो। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अंत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन जरूर कहना चाहूंगी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जय हिंद, जय भारत।